जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सवाल आने लगा था कि दिसंबर मंथ के दौरान में कौन कौन से डिवाइस के जो है MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम यही बताने वाले हैं कि दिसंबर मंथ के दौरान में कौन कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आज बता देना चाहते हैं कि MIUI 12 का जो अपडेट है इस दिसंबर मंथ के दौरान में कौन से डिवाइस को देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि कुछ पुराने डिवाइस के अपडेट को लेकर कि दोस्तों यहाँ पर थर्ड बैच का डिवाइस है उनसे भी डिवाइस का भी जो नाम है दिसंबर मंथ के दौरान में ही देखने को मिल सकता है, पर यह कन्फर्म नहीं है। पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जनवरी मंथ के दौरान में जो Redmi 6 सीरीज, 7 सीरीज और 8 सीरीज इन सभी को अपडेट देखने को मिल सकता है। और जिन सभी डिवाइस को अभी तक अपडेट देखने को मिल चुका है जैसे Redmi Note 7, Note 7s, Redmi Note 8, इन सभी डिवाइस को भी सभी यूजर को देखने को नहीं मिला है, तो उन सभी डिवाइस को जो अपडेट है इस दिसंबर मंथ के दौरान में ही देखने को मिल सकता है फुल रोल आउट। अब देखते हैं क्या होता है इस दिसंबर मंथ के दौरान में इन सभी डिवाइस को अपडेट देखने को मिलता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए जिस टॉपिक पर बात करना आए थे उस टॉपिक पर बात करते हैं कि इस दिसंबर मंथ के दौरान में कौन कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस दिसंबर मंथ के दौरान में आप सभी को Redmi 9 Prime, Poco M2, Redmi Y3 जैसे स्मार्टफोन को MIUI 12 का अपडेट देखने को मिल सकता है। और साथ में दोस्तों अगर आपके पास Redmi Note 6 Pro और Redmi Note 5 Pro इन दोनों डिवाइस भी है तो आप सभी को इन दोनों डिवाइस में पार्शियली अपडेट देखने को मिलेगा, ना कि नॉर्मली यूजर को। पर इन सभी डिवाइस को जो अपडेट है नॉर्मली यूजर को कम से कम फरवरी के एंड तक आप सभी को देखने को मिल सकता है। और दोस्तों Redmi 9 Prime, Poco M2 और Redmi Y3 के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों इन सभी डिवाइस में जो अपडेट है आप सभी को इसी दिसंबर मंथ के दौरान में हो सके तो पार्शियली या फिर नॉर्मली यूजर को देखने को मिल सकता है अपडेट। पर दोस्तों इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन कौन से यूजर को मिलेगा, हो सके तो आप सभी को पार्सली अपडेट देखने को मिल जाए। इसके बारे में इस टाइम पे Xiaomi ने कोई भी क्लियर ही नहीं किया है कि कौन से जो वर्जन का अपडेट है कौन से डिवाइस को हम प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आया है Xiaomi की तरफ से कि इन सभी डिवाइस को जो अपडेट है इस दिसंबर मंथ के दौरान में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं Xiaomi के बात में कितना है दम, ये तो एक ट्वीट के थ्रू ही पता चला था। अब देखते हैं Xiaomi क्या करता है। और जैसे कि हमने आप सभी को कल की वीडियो में बताया था कि Xiaomi के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है गूगल के तरफ से कि आप जल्द से जल्द एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट है वो पुश करें, और जब तक एंड्रॉयड 10 का अपडेट पुश नहीं होगा तब तक आप सभी को MIUI 12 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और जिन सभी डिवाइस को अभी तक MIUI 12 का अपडेट देखने को मिला है उसमें से अधिकतर स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड हैं। बहुत ऐसे कम डिवाइस है जिनको एंड्रॉयड 5 के साथ MIUI 12 देखने को मिला है। तो दोस्तों आप सभी को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।